कयाथ 2016 Due to the cyclonic storm formation Kanth over East Central Bay of Bengal. Mora 2017 Mora centered over East Central Bay of Bengal hit Bangladesh coast near Chittagong a short while back. Titli 2018 Very severe cyclonic storm Titli has made landfall in Gopalpur in Odisha. Fani aur Bulbul 2019 चक्रवाती तूफान बुलबुल शनिवार को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच तट से टकराया। ये है नॉर्थ इंडियन ओशन में आए कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। साइक्लोन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, जैसे कि इंडियन ओशन में आए साइक्लोन को साइक्लोन ही कहते हैं, वेस्ट अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक में आए साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं, ऐसे ही जापान के साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन में ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन। ये वो रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी आती है और इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है। इंडिया में ज्यादातर साइक्लोन मई से लेकर अक्टूबर तक और कई बार नवंबर में भी आते हैं। दरअसल इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन ये है कि 21 दिसंबर से अर्थ का नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुकना शुरू कर देता है और 23 मार्च से ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से एयर प्रेशर कम होने लगता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में बहती है, इसी कारण पोलर एयर जहाँ हमेशा एयर डेंसिटी हाई होती है वहाँ से हवा ट्रॉपिकल रीजन में बहती है। हवा बहते वक्त वो एक फोर्स को फेस करती है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स अर्थ के गोल घूमने के कारण तैयार होती है और वो फोर्स अर्थ की रोटेशन की अपोजिट एक्ट करता है और इसी वजह से हवा बेंड होना शुरू कर देती है। और जब दोनों पोलर से आने वाली हवा ट्रॉपिकल रीजन में आती है तब यहाँ एक डोल्ड्रम तैयार होता है। बेसिकली डोल्ड्रम एक रीजन है जहाँ एयर डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि हवा अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर उठ चुकी होती है। हवा के टकराने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन तैयार होता है और इसी की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन तैयार होते हैं। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, इन दोनों को मिलाकर हम नॉर्थ इंडियन ओशन कहते हैं। इंडिया में आने वाले ज्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में तैयार होते हैं और अरेबियन सी में तैयार होने वाले साइक्लोन अफ्रीका के तट पर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये साइक्लोन अपना पाथ चेंज कर इंडिया में भी आते हैं। हाल ही में आया निसर्ग साइक्लोन अरेबियन सी में ही तैयार हुआ था, लेकिन किरोसर की बात ये है कि कभी कभी इंडिया में आए साइक्लोन को बाकी के देश कैसे नाम देते हैं। दरअसल साइक्लोन को नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इमरजेंसी में कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है और मीडिया के लिए पब्लिक को समझाने में मदद होती है और नाम देने से बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में एक से ज्यादा साइक्लोन हो सकते हैं। जब साइक्लोन को नाम देना शुरू हुआ था तब इसे सिर्फ महिलाओं के नाम दिए जाते थे, लेकिन इसे बाद में बदल दिया गया। इंडियन ओशन में साइक्लोन को नाम देना 2000 से शुरू हुआ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक इनका 27th समिट 2004 में इंडिया में हुआ था और इस सेशन में एक फॉर्मूला तैयार किया गया जिसे हम साइक्लोन को नाम रख सकते हैं। इस समिट में तय हुआ कि एशिया के कुछ देशों का पैनल होगा जिसमें इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये देश होंगे। बाद में 2018 में ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन, ये भी देश शामिल हो गए। 2004 के फॉर्मूला अनुसार इन सब देशों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख के सबसे साइक्लोन के लिए नाम मांगे जाते हैं। इंडिया ने साइक्लोन के लिए 169 नाम दे दिए हैं। नाम देने की जिम्मेदारी इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है और इसी तरह हर देश साइक्लोन को नाम दे सकता है। जैसे कि 2019 में वेस्ट बंगाल में आए साइक्लोन को पाकिस्तान ने बुलबुल नाम दिया था। 2020 में ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आए साइक्लोन को थाईलैंड ने अम्फान नाम दिया था और हाल ही में महाराष्ट्र में आए साइक्लोन को बांग्लादेश ने निसर्ग नाम दिया था। इसका मतलब ये है जब नॉर्थ इंडियन ओशन में अगला साइक्लोन आएगा तब उसे इंडिया नाम देगा और वो नाम गति है और इसकी वजह से हम कुछ आने वाले तूफानों के नाम भी बता सकते हैं, जैसे कि गति जो इंडिया देने वाला है, नीरव जो ईरान देने वाला है, बुरेवी जिसको मालदीव ने दिया है, तुकतेई जो म्यांमार देगा और यास जो ओमान ने दिया है।